सोशल मीडिया कब किसी को रंक से राजा बना दे, ये तो आप और हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एक छोटी सी वीडियो वायरल होने की देरी होती है, जिसके बाद वो इंसान रातों रात एक चमकता सितारा बन जाता है। ऐसे ही कई इंटरनेट सेंसेशन के बारे में हमने पढ़ा और देखा, जिन्हें आम लोगों से एक रातों रात चमकता सितारा बना दिया। लेकिन रातों रात इंटरनेट की दुनिया पर तहलका मचाने वाले ये लोग भी जल्द ही अर्श से फर्श पर आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो जितनी जल्दी आसमान और ऊंचाई पर पहुंचे, उतनी ही जल्दी नीचे भी आ गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उन इंटरनेट सेंसेशन से रूबरू होना। नंबर वन, प्रिया प्रकाश वॉरियर। अखियों से गोली मार कर इस लड़की ने रातों रात पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला था। प्रिया की आंख मारने वाला वीडियो लोगों को इतना पसंद आया था कि वो रातों रात एक चमकता सितारा बन गई थी। हर कोई उनको कॉपी करने लगा था और उस समय हर जगह प्रिया के ही चर्चे हो रहे थे। उनका ये वीडियो उनकी एक मलयाली फिल्म ओरू अदार का था, जिसमें वो एक सहायक भूमिका निभा रही थी। उनका ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उनके फॉलोअर 1500 से बढ़कर 11 लाख हो गए, जिसके बाद हर तरफ प्रिया के ही चर्चे दिखाई देने लगे। लेकिन जितनी जल्दी ये वायरल हुई, उतनी ही जल्दी इनका सिक्का ठप बैठ गया और आज बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये क्या कर रही हैं आज लोगों को ये भी नहीं पता है। नंबर दो, रानू मंडल। रेलवे स्टेशन पर एक गाना गाकर एक भिखारन सिंगर बन गई थी, जिसके बाद इनका वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर कोई इनके गाने को पसंद करने लगा। रानू मंडल का गाया गाना एक प्यार का नगमा है। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई उनकी प्रतिभा को देखकर अचंभित रह गया। उनकी मधुर और सुरीली आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया। इनका गाना लोगों को इतना पसंद आया कि खुद सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया ने भी इन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया और ये रातों रात एक चमकता सितारा बनकर एक स्टार बनने के बाद इनके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया और जिस तरीके से लोगों ने इन्हें ऊपर पहुंचाया था, उसी तरीके से इन्हें नीचे भी ले आए और एक स्टार से इन्हें दोबारा भिखारन बना दिया। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर आम लोग एक भिखारी को स्टार बना सकते हैं, तो उसी स्टार को दोबारा से भिखारी भी बना सकते हैं। नंबर तीन, डब्बू अंकल। शादी ब्याह में तो बहुत से लोग नाचते हैं, पर क्या किसी ने सोचा होगा कि शादी में डांस का एक वीडियो डब्बू अंकल को रातों रात स्टार बना देगा। आपके आ जाने से गाने पर उनके परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते वो इंटरनेट सेंसेशन बन गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि उनके आइडियल गोविंदा और सलमान से मिलने का उन्हें मौका भी मिला। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलने के बाद लोगों का कहना था कि इनके अंदर बहुत घमंड आ गया था और जितनी जल्दी ये ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, उतनी ही जल्दी ये वहां से नीचे भी आ गए और आज इंटरनेट की दुनिया से ही ये बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ये वर्तमान में क्या कर रहे हैं लोगों को ये पता भी नहीं है। नंबर चार, बाबा जैक्सन। माइकल जैक्सन की स्टाइल में मून वॉक और एयर वॉक करने वाले बाबा जैक्सन सोशल मीडिया सेंसेशन है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो डालने वाले बाबा जैक्सन का असली नाम युवराज सिंह है और वो अब इतने फेमस हो गए हैं कि सीधा बॉलीवुड में एंट्री मार दी है। सबसे पहले ऋतिक रोशन ने उनके वीडियो को रिट्वीट किया था, जिसके बाद रातों रात बाबा जैक्सन मशहूर हो गए। माइकल जैक्सन और टाइगर श्रॉफ उनके आइडियल हैं। हाल ही में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ डांस किया। स्ट्रीट डांसर से बॉलीवुड डांसर तक का उनका सफर सोशल मीडिया के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन आज ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। जितनी तेजी से ये लोगों के दिलों में आए थे, उतनी ही तेजी से ये चले भी गए। तो दोस्तों, इन इंटरनेट सेंसेशन के अलावा आप किसी और के भी दीवाने हैं? आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।